आए दिन शहर में चोरी की वारदातें हैं जो बढ़ती जा रही हैं, इसमें महिलाएं भी कम नहीं है। महिलाओं ने भी अलग अलग तरीके निकाले हैं चोरी करने के। वाक्या मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा वाक्या देखिए और जिन महिलाओं को दिखाने जा रहा हूँ इसे जरा गौर से देखिए। तीन महिलाएं कैसे आती हैं, कैसे उनका चोरी करने का तरीका है और कैसे वो बड़े आराम से निकल जाती हैं। ये दुकान है, डेरो शर्ट की दुकान है, कुर्तियों की दुकान है और हुड्डा में इस समय हम लोग खड़े हैं। हुड्डा सेक्टर 11-12 के मोड़ पर ये दुकान है और यहाँ पर जो कल वाकया है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हालांकि ऐसे वाकये जो हैं पानीपत में कई बार देखने को मिले हैं, लेकिन इन तीनों महिलाओं को जो मैं दिखाने जा रहा हूँ इनको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि एक पढ़े लिखे परिवार की, संपन्न परिवार की जो है महिलाएँ लग रही हैं। इनका जो जो तरीका है यहाँ आने का, किस तरह इन्होंने यहाँ कुर्तियाँ देखी, कुर्तियाँ देखने के बाद कैसे इन्होंने जो है कुर्तियों को गायब किया, वो सारा तरीका मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर वो कल का ये मामला बताया जा रहा है, यहाँ पर कुर्तियाँ टंगी थी, तीन महिलाएं यहाँ पर आई थी, उन्होंने पहले यहाँ पर रेकी किए थे कि इस समय दुकान पर कौन कौन होता है और कैसे जो है यहाँ से कुर्तियाँ जो है चोरी की जा सकती हैं। पहले तो वो पहले दो राउंड में आए हैं, पहले राउंड में आए तो वहाँ कैश काउंटर है, कैश काउंटर के पास से आके शॉप को देख के वो चले गए बाहर। फिर दूसरी बार आए तो मेरे मदर खड़े थे यहाँ पे, सेल कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा आप चले गए, तो आप तो चले गए थे, तो कह रहे नहीं हम बाहर डमीज देख रहे थे। फिर तीनों आई अपने आप ही वहाँ से, कुर्तियाँ हैंग थी सारी, सब कुछ वो अपने आप से देखने लग गई। तो उसके बाद धीरे धीरे करके हमारा यहाँ पर सारा कुर्तियों का रश लगा रहता हमारा जनरली, तो कुर्तियाँ सारी बिखरी हुई थी, तो हम फोल्ड कर रहे थे इधर, तो वो इतने में उन्होंने वहाँ से दो तीन कुर्तियाँ उतारी, तीन कुर्तियाँ जॉर्जेट की, बहुत अच्छी ड्रेसेस थी, कुर्तियाँ भी नहीं, और अपने स्कर्ट के नीचे बैग था उसमें डाल ली। फिर उसके बाद आके इधर आ गई वो तीनों, यहाँ पे जो फोल्ड हुई हुई कुर्तियाँ थी उसके ऊपर कोई और कुर्ती खोल के कपड़ा डाला,
हमारा जरा सा ध्यान पीछे हुआ, दूसरी लेडी ने उसकी दूसरी स्कर्ट में डाल दिया और हमसे एक कुर्ती का रेट पूछा, ये कितने की है, ये कम करके दे दो, हमने कहा नहीं और एकदम से वो चले। कैसे लगा फिर आपको पता बाद में, कैसे देखा आपने? हमारे पास रात को कस्टमर आया कि थोड़ा वर्क में हमारे को एक ड्रेस दिखा दो, तो मेरे को पता था कि मेरे पास 3-4 वर्क में ड्रेसेस पड़ी हुई है, तो मैं देखने गया तो मैंने कहा मेरे को मिली नहीं, मैं तब शॉक हो गया। तो हमारे मेरी मम्मी और सेल्स गर्ल और मैं, हम तीनों शॉक हो गए। तो फिर मैंने सोचा यहीं पर तो तांगी थी, हमने अभी परसों ही लेके आए थे। तो उसके बाद फिर मैंने कैमरा चेक किया तो 5 बजे तो कैमरे में कुर्तियाँ टंगी हुई थी, 6 बजे कुर्तियाँ टंगी नहीं हुई थी। फिर मैंने 1 घंटे की फुटेज देखी तो उस फुटेज में पता लगा कि वो तीनों लेडीज़ 6 कुर्तियाँ ले गई। सर शिकायत तो सर बहुत शिकायतें जाती हैं पुलिस में, तो मैंने कहा कि कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इससे बढ़िया तो वॉइस ऑफ पानीपत में जाऊँगा तो उससे ज़्यादा बेटर मेरे को रिजल्ट मिलेगा। और मैंने आपको इनको वॉइस ऑफ पानीपत वालों को 15 मिनट पहले कॉल किया और वो आ गए। थैंक्स टू वॉइस ऑफ पानीपत की, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं वो इतना ढूंढवाने में। ये तीन महिलाएं पीछे से आ रही हैं और तीनों ऐसा नहीं है कि गरीब परिवार से, संपन्न परिवार से ये लग रही है और इनको देखकर ऐसा लग ही नहीं सकता कि ये ऐसा काम करेंगी। तो ये सीसीटीवी फुटेज आपने देखी, जरा गौर से इन तीनों महिलाओं को देखिए। दो जो महिलाएं हैं वो बुजुर्ग हैं, एक महिला थोड़ी सी जवान लग रही है। तीनों ने यहाँ पर कल शाम को 5 बजे के करीब वो लोग पहले आए हैं, पहले रेकी की है, रेकी के बाद उन्होंने ये सामान उठाया और बड़े अच्छे तरीके से, आपने जैसे सीसीटीवी फुटेज में देखा कि एक दो महिला आगे खड़ी, एक महिला पीछे खड़ी, उन्होंने कुर्तियाँ जो है आगे लगा दी, उसके बाद कैसे वो सलवार के अंदर कोई उन्होंने बैग टाइप जो है बना रखा था, उसमें जो है तीन कुर्तियाँ पहले उठाई और तीन कुर्तियाँ जो हैं बाद में काउंटर पे आकर उठाई। तो वीडियो फुटेज आपको दिखाई हमने, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्वास किस पर किया जाए। पानीपत में ऐसा ही गिरोह फैला हुआ और ऐसे ही मामले जो हैं पहले भी आपको हमने दिखाए और ऐसे मामले जो हैं कई बार देखने को मिल रहे हैं कि महिलाएं आती हैं और बड़े आराम से, बड़े सरल तरीके से जो है ऐसे चोरियाँ करके ले जाती हैं। तो इन महिलाओं से आप भी सावधान रहिए, आप दुकानदार हैं या आप गृहिणी हैं, अपने घर पर सीसीटीवी जरूर लगाएं, क्योंकि सीसीटीवी इनका ना लगाता तो शायद ये भी ढूंढते रह जाते कि उनकी कुर्तियाँ कहाँ गई। तो दुकानों पे सीसीटीवी फुटेज जरूर रखी जाए और खास तौर पर जो है इन महिलाओं पर नज़र रखी जाए जो महिलाएं ऐसा जो है काम करती हैं। फुटेज हमने दिखाई, उनकी फ़ोटो दिखाई, इनको कोशिश करिए पहचानने की। अगर जो ये मेरी खबर देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए, वायरल करने से ये जो है पुलिस की गिरफ्त में आ सकती है। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।